लेकिन क्या पुस्तक से पढ़ना ही पर्याप्त है या जीवन में गुरु का होना आवश्यक है कि पुस्तक में क्या लिखा है, उसका तात्पर्य क्या है, उसकी सही दिशा दिखाना गुरु कितने आवश्यक है, और क्या गुरु, क्या नजदीकी गुरु किसको ढूंढा जाए, क्योंकि आजकल इजी होना चाहिए मामला, तो उसके लिए क्या किया जाए और कैसे, क्या मार्गदर्शन आप देंगे? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात है, हमारे देखो हमारे शास्त्रीय व्यवस्था देखिए, हमारी शास्त्रीय व्यवस्था इतनी सुंदर है कि आप देख करके चकित रह जाएंगे। हमारी शास्त्रीय व्यवस्था में गुरु एक नहीं माना है, हमारी शास्त्रीय व्यवस्था में 8 गुरुओं का वर्णन है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के 8 गुरु होते हैं, और वो 8 गुरु कौन कौन से, बोले पहला गुरु दाई माँ, जो बच्चे को पैदा करती है, जिसे आप नर्स बोलते हो। सबसे पहले उसका संस्कार उसके ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। इन बातों पर हमने कभी गौर ही नहीं किया, जबकि हमारी सनातन संस्कृति में इन बातों का इतना महत्व था। आप तो नितिन भैया ग्वालियर क्षेत्र से हैं, और हो सकता है गांव की परंपराओं से जुड़े भी रहेंगे, और बहुत सारे व्यूअर्स गांव से जुड़े हुए होंगे। पुराने समय में अगर उनको कभी भी याद हो, जब गांव में बच्चा पैदा होता था, तो जो दाई माँ गाय माँ को बच्चा पैदा करने में सहायक होती थी, उसको घर वाले बहुत संतुष्ट रखते थे। और आप आश्चर्य करेंगे, एक बड़ी विचित्र पद्धति थी हमारे यहाँ, जो शायद नई जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा। अमुक दिन के बाद में उस बच्चे के बराबर अन्न तौल करके दाई माँ को दिया जाता था। कितनी प्यारी और कितनी विचित्र बात थी। इसका अर्थ था कि वो जितना खिलाएगी पिलाएगी, जितना उसको तंदुरुस्त रखेगी, जितना स्वस्थ रखेगी, जितना भारी होगा उसको अन्न उतना ही प्राप्त होगा। तो बड़े प्रेम से वो उसका पाल लालन पालन पोषण करती थी, और उसके विचार भी उसके प्रति बहुत अच्छे रहते थे। जैसे विचार उसके होंगे, चूंकि आरंभ के 10-15 दिन तक बच्चा उसी दाई माँ के हाथ में रहता था, उसके विचारों का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता था। ये गांव वाले जानते थे, पुराने लोग जानते थे, इसलिए उसको सदैव संतुष्ट रखा जाता था, चाहे वस्त्र दे करके, चाहे अन्न दे करके, चाहे धन दे करके, उसको संतुष्ट रखा जाता था। तो पहला प्रभाव उस दाई माँ का। दूसरे गुरु के रूप में हमारी माँ, माँ के विचार, माँ की वैचारिक जो शक्ति है, बच्चे के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव डालती है। तीसरा गुरु पिता, चौथा गुरु शिक्षक, पांचवा गुरु मित्र, छठा गुरु पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, सातवां गुरु जो आपके कर्म कांड में सहायक होता है, सत्यनारायण की कथा करवा रहा है, विवाह आदि करवा रहा है, जिसको हम कुलगुरु कहते हैं, पौरोहित्य कर्म करवाने वाला है, यज्ञ आदि जो कर्म करवाता है, वो सातवां गुरु। और आठवां गुरु बोलते हैं हम लोग सदगुरु, जो संसारिक चीजों से परे जो सत्य तत्व है, सदगुरु मेवाविगच्छे समित पाणि श्रुतिम् ब्रह्म निष्ठम, जिसके लिए वेदों ने कहा, उपनिषदों ने कहा, तद विज्ञानार्थम सदगुरु मेवाविगच्छे समित पाणि श्रुतिम् ब्रह्म निष्ठम, उस परम तत्व की जानकारी के लिए आठवें गुरु यानी सदगुरु का वर्णन है।